हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ हिंदी का चैप्टर वन। इसमें हम पूरा पोयम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो पोयम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो देखिए, जो पंछी हैं, ये पंछी जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि हम जो पंछी हैं, हम जो बर्ड्स हैं, वो उन्मुक्त गगन के हैं, मतलब जो खुला आसमान है, दूर दूर तक फैला हुआ आसमान, उसके रहने वाले हम पंछी हैं। पिंजर बंद, पिंजरे में बंद रह कर के हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियाँ, कनक आप पिंजरे की तीलियाँ होती हैं, वो किसी भी चीज़ की होती हो सकती हैं, चाहे वो सोने की ही तीलियाँ क्यों ना हो। सोने की जो तीलियाँ हैं उनसे टकरा टकरा कर हमारी जो पुलकित, हमारे जो नए नए उगे हुए, हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। फिर आगे बोलते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम जो हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम बहती नदियों का पानी पीते हैं, हम इसमें पिंजरे में रहकर जो है भूखे प्यासे मर जाएंगे। कटुक निबोरी बहुत अच्छी है, मतलब जो नीम की कड़वी निबोरी जो होती है ना, वो कहीं ज़्यादा अच्छी है कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है नीम की कड़वी निबोरी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फगुनी पर के झूले। अभी स्वर्ण श्रृंखला, जो ये पिंजड़ा है, स्वर्ण का बना है, सोने का बना है, इसके बंधन में हम बंध गए हैं। अपनी गति और अपनी उड़ान सब कुछ हम भूल चुके हैं। अब तो बस हम सपनों में ही देखते हैं कि जो फागुन के महीने में जो झूला डाला जाता है, उस तरीके से जो हम घूमते थे पहले उन्मुक्त गगन में, वो सब अब हम बस सपने में ही देख पाते हैं। अब तो हम पिंजरे में हैं। ऐसे थे अनुमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर वो बोलते हैं आगे कि हमारे ऐसे अरमान थे, चिड़िया बोलती हैं कि हम नीले गगन में, जो इतना सुंदर आसमान फैला हुआ है, इसमें दूर दूर तक उड़ करके हम लोग जाते और सूरज की किरणें जो हैं उसको अपनी चोच खोल करके उसको अपने अंदर ले लेते और अपनी चोच खोल कर हम अनार के दानों को चुगते। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब हम लोग इतना ऊंचा उड़ते कि जो क्षितिज है आसमान के ऊपर तक हम पहुंच जाते और पंखों से होड़ लगाते कि कितना ऊपर हम उड़ सकते हैं। या तो हमारा क्षितिज से मिलन ही हो जाता, आसमान के सबसे ऊंचे जो पॉइंट होता है उससे या तो हम मिल जाते, या फिर जो है हमारी सांसों की डोरी जो है, मतलब हमारी सांसें ही क्यों ना तन जाती। नीड न दो चाहे हटनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। फिर वो कहते हैं कि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, चाहे तुम हमें कुछ खाने को मत दो, कुछ भी मत दो, हमें आश्रय मत दो, जो तुमने हमें जगह रहने के लिए दी हुई है उसको तुम मत दो, मगर हमें जो भगवान ने पंख दिए हैं, अगर हमें पंख मिले हुए हैं तो हमारी जो उड़ान है, हम जो उड़ सकते हैं, इसमें तुम विघ्न मत डालो, इसमें जो है कोई रुकावट मत डालो। तो ये कविता हो गई। कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हमारे चैप्टर के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इसका जो कवि है। तो कवि का नाम और कवि का नाम तो इसमें हमें दिया ही नहीं गया है। तो पोयम का नाम तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और अब हम इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। सुख सुविधाएं होती हैं हर तरीके की पंछियों के पास पिंजरे में, मगर फिर भी वो क्यों नहीं रहते पिंजरे में बंद, क्यों उनको अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, इसका उत्तर है, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उसके जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? स्वतंत्रता नहीं है, जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है। वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? खुले आसमान में बिल्कुल खुश होकर के उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उसमें नई उमंग और प्रसन्नता भर देती है, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती। इसलिए हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उन्हें वो प्रसन्नता नहीं मिलती जो उन्हें आकाश में उड़ने से मिलती है। आकाश में वो जब होते हैं तो वो आज़ाद होते हैं, पिंजरे में वो गुलाम होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो क्या क्या इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर, आज़ाद रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, और क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं, क्षितिज आसमान के ऊपर तक वो उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की, अपनी जान की भी चिंता नहीं है, तो वो आज़ाद रहना ज़्यादा जो है अच्छा समझते हैं, बजाय के कि वो कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितना भी उनको सुख सुविधाएं मिल जाएं एक पिंजरे में, उससे अच्छा उन्हें लगता है आज़ाद रहना। नेक्स्ट है, हमें भाव बताना है, इसका भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका आंसर है, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, मतलब ऊपर तक, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वो चाहते हैं या तो वो आज वह क्षितिज के अंतिम छोर तक को छोर ही प्राप्त कर लें, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, मतलब वो बहुत ऊपर तक उड़ जाएं, अपने खुले आसमान में उड़ें, या फिर उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपना विचार लिखिए। तो बहुत सारे लोग पक्षियों को पालते हैं, आपको क्या लगता है कि पक्षियों को पालना सही है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है, मतलब ठीक बात नहीं है उनको बंधन में रखना। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का पानी पीना, फल फूल खाना ही उनका स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति है, मतलब बाहर घूमना, पेड़ों पर रहना, ऊंचे ऊंचे गगन में उड़ना, नदी का झरने का पानी पीना, फल फूल खाना, यही तो उनका स्वभाव है पक्षियों का। तो आप किसी को भी कितना ही सुखी रहने का, सुख देने का प्रयास करें, मगर उनका जो स्वभाव होता है, उनका स्वाभाविक परिवेश से अलग करना उचित नहीं माना जाता, अनुचित ही माना जाएगा, मतलब आपको बंधन में नहीं रखना चाहिए। जो चिड़िया होती हैं उन्हें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला हुआ है, उसे उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो क्या किसी ने पक्षी पाला हुआ है, आपके जान पहचान में पाला है, तो कैसे उसकी देखरेख करते हैं वो बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर आप दे सकते हैं, एक बार एक घायल कबूतर, जैसे अपनी स्टोरी बना के, कि हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की, और उसे ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था, मतलब खुशी का, मजे का। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे, उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। तो आपका ही कोई पेट होगा, तो उसका आपने कैसे ख्याल रखा वो आप बता सकते हैं। फिर, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है और अपने विचार जो है वो बताने हैं। तो देखिए कि पर्यावरण, पिंजरे में आप पक्षियों को बंद रखते हैं, तो वो सिर्फ उनका ही नुकसान नहीं है, बल्कि एनवायरमेंट का, पर्यावरण का भी नुकसान है। वो कैसे, वो हमें बताना है। तो देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी, फूड चेन जिसे आप कहते हैं, वो असंतुलित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी, तो छोटे छोटे कीड़े घास खाते हैं और उन छोटे छोटे कीड़ों को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी फसलों के लिए ये बात उचित नहीं है, सही नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, इससे फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को भी खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो है पक्षी कुछ कीड़ों को खाते हैं, कुछ हमारी फैलाई हुई गंदगी खाते हैं, वो जो बीज खाते हैं वो जगह जगह गिरा देते हैं, तो उससे क्या होता है, नए पेड़ पौधे भी उगते हैं। और पक्षी नहीं रहेंगे और हमारी फैलाई हुई गंदगी खाते हैं, तो पर्यावरण को साफ करते हैं, और
जैसे जो चील बाज बाघ वगैरह जो होते हैं बाज वो मरे जानवर खाते हैं, तो इससे पर्यावरण साफ होता है, बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो अगर ये पक्षी नहीं होंगे तो पर्यावरण में भी गंदगी काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है भाषा की बात। यह स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण की सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक मतलब किसी के बारे में किसी की अच्छाई बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, ठीक है। तो कविता में ढूंढकर तीन और उदाहरण, जैसे पुलकित पंख, पुलकित पंख मतलब बहुत अच्छे पंख, ऐसे तो पंख की विशेषता बता रहे हैं, गुणवाचक पंख का गुण बता रहे हैं। कटुक निबौरी, निबौरी कटुक होती है, कड़वी होती है, तो निबौरी का गुण बता रहे हैं। कनक कटोरी, कटोरी का गुण, कटोरी कैसी है, कनक है, सोने की है, तो कटोरी का गुण बता रहे हैं। तो ये हो जाएंगे तीन गुणवाचक विशेषण। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जिसमें डैश लगता है, उसकी संधि है जब हम लोग करते हैं तो सामासिक विग्रह में और लग जाता है। तो इन शब्दों के बीच लगे चिन्हों का सामास विग्रह चिन्ह ये डैश कहते हैं, और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे तो भूखे और प्यासे, तो डैश वाला जो चिन्ह होता है इससे हमें और का संकेत मिलता है। हमें ऐसे 10 और उदाहरण खोज करके बताने हैं। तो देखिए, पहला हो गया हमारा सुख दुख, तो सुख और दुख। दूसरा हम लोग कह सकते हैं धूप छाँव, तो धूप और छाँव। खाते पीते तो खाते और पीते, रात दिन तो रात और दिन। हंसते गाते, हंसते और गाते, पाप पुण्य पाप और पुण्य। सुबह शाम, सुबह और शाम। बुरा भला, बुरा और भला। सही गलत, सही और गलत। ऊंच नीच तो ऊंच और नीच। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई और हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।